गाइज इस सैमसंग के गैलेक्सी A34 को लॉन्च हुए 5 महीने हो गए। मेरा फ्रेंड इस फोन को 4 महीने से यूज कर ही रहा है एंड फिर मैंने सोचा यार इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू तो बनता है, इसलिए हमने उससे ये फोन लिया एंड लास्ट कुछ दिनों से हम इस फोन को यूज कर रहे हैं। हेलो गाइज, मैं हूं केएफ नॉइजटेक से। आज देखेंगे कि ये सैमसंग का गैलेक्सी A34 कैसा है। वैसे हमने गैलेक्सी A54 की भी वीडियो पहले ऑलरेडी बना चुके हैं चैनल के ऊपर, अगर आपको उस फोन के बारे में जानना है तो आप वो वीडियो भी इस वीडियो के बाद देख सकते हो। तो भाई 4 महीने का यूज हो चुका है बट फिर भी इस फोन का बिल्ड क्वालिटी जो है ना काफी अच्छा है। ये से जो फ्रेम है ये प्लास्टिक है, नो डाउट पीछे भी आपको ग्लास्टिक बेसिकली प्लास्टिक मिल जाता है बट फिर भी यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी इस फोन की बुरी नहीं है। उसके हाथ से ये फोन एक बार गिरा था पर इस फोन पे कोई डैमेज नहीं आया। हल्का फुल्का ये फोन होल्ड करने में ना थोड़ा सा नथिंग वाला वाइब देता है। अगर आप इसको होल्ड करके रखोगे ना तो ऐसा लगेगा आपको आपने एक मेटालिक फ्रेम वाला होल्ड करके रखा है। एक छोटा सा मुझे प्रॉब्लम है, जब आप इसके ऊपर ऐसे उंगली घुमाओगे ना तो आपको पता चलेगा जो साइड की फ्रेम है वो एक्चुअली हल्की सी उठी हुई है, एकदम फ्लश्ड नहीं है, जिसके कारण जब इस फोन को होल्ड करते ना तो यहाँ पे उंगलियां लग एंड ऐसे लगता है आपने हल्के से कोई शार्प ऑब्जेक्ट के ऊपर हाथ रखा है। ये चीज मुझे ऐसे लगता है सैमसंग को अपने अगले A सीरीज में ध्यान रखना चाहिए। बाकी इस फोन में सिम ट्रे वाला प्रॉब्लम नहीं है, सिम ट्रे एकदम लाइन में है बॉडी के साथ, आपको यहाँ पे हाइब्रिड स्लॉट मिल जाता है। तो भाई डिजाइन से बिल्ड क्वालिटी से मैं इंप्रेस तो हूँ। बहुत से ब्रांड मुझे पता है आजकल वेगन लेदर का ग्लास बैक देते हैं बैक में, बट मुझे ऐसा लगता है सैमसंग के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये कोई बुरा फोन नहीं है इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी। यस, उसी के बाद फ्लैट पैनल, ऑफकोर्स दूसरे ब्रांड कर्व स्क्रीन के ऊपर आ गए, ये फ्लैट के ऊपर है। दूसरे ब्रांड HDR सपोर्टेड डिस्प्लेस दे रहे हैं, ये नॉन HDR सपोर्टेड डिस्प्ले, एंड अगर यहाँ पे HDR सर्टिफिकेशन दे दिया रहता था तो somewhat ये गैलेक्सी A54 के डिस्प्ले को null and void कर देता था, इसीलिए वो लोग ने वहाँ पे HDR रखा। बट फिर भी डिस्प्ले क्वालिटी बुरा नहीं है, फुल HD प्लस है, 6.6 इंच है, AMOLED है, अच्छे कलर्स, 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल जाता है। डिस्प्ले यूज करने में ऐसे लगता है यहाँ पे एक अच्छा 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले यूज कर। एक चीज मुझे अच्छी लगी, सैमसंग ने आपको अडैप्टिव रिफ्रेश रेट नहीं दिया, पूरा फोर्स्ड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया। सेटिंग्स में चेक करोगे तो हाई वाला ऑप्शन है। इसका फायदा ये होता है कि जब अडैप्टिव रिफ्रेश रेट रहती है तो आपको वो अननेसेसरी जिटर्स नहीं दिखेंगे जब फोन रिफ्रेश रेट को ऊपर या नीचे करता है। जिटर्स आपको पता है क्यों आते हैं यहाँ पे? क्योंकि सैमसंग ने हल्का फुल्का स्टोरेज स्पीड्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया है। देखो प्रोसेसर अच्छा दिया, यहाँ पे डिमेंसिटी 1080 दिया जो मुझे बेसिकली एक्सिनोस 1380 जो गैलेक्सी A54 में उससे ज्यादा अच्छा प्रोसेसर लगा। बट यहाँ पे सैमसंग ने प्रॉब्लम ये कर दी, आपको दे दिया UFS 2.2 की स्टोरेज। मुझे ऐसा लगता है UFS 3.1 दिया रहता था थोड़ा सा परफॉर्मेंस स्पीड्स बेटर मिल जाती थी, थोड़ा सा जो ऐप स्विच के बीच में या बहुत ज्यादा हैवी उसके बीच में कंटिन्यूस कैमरा यूजेज में जो हल्के फुल्के जिटर आते, जो कैमरा ओपनिंग के टाइम डीले आता है, ये सारी चीजें नहीं आती थी। परफॉर्मेंस बिल्कुल भी बुरा नहीं है, मतलब आप एक मिड यूजर समझ सकते हो, हैवी यूजर के लिए ऑफ कोर्स ये फोन नहीं है। बाकी ये परफॉर्मेंस वाइज काफी हद तक स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स पे गेमिंग हैंडल कर लेता है। इसकी जो बेजल्स है ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म नहीं है पर फिर भी ठीक दिखती है। एक कंप्लेन है यहाँ पे टीयर ड्रॉप नॉच दिया, जहाँ पे ब्रांड्स पंच होल दे रहे हैं, A54 पे पंच होल दिया, इसके ऊपर टीयर ड्रॉप दिया भेदभाव दिखाने के लिए, एंड साथ ही साथ ऑफ कोर्स आपको ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जो अच्छी क्वालिटी का जल्दी फोन खोलता है बट हल्का हल्का एंगल्स पे खोलने जाओ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है। आउटडोर ब्राइटनेस वाइज ना मुझे ना मेरे फ्रेंड को किसी को प्रॉब्लम नहीं गई, 1000 nits की ब्राइटनेस है, डिस्प्ले अच्छा खासा विजिबल है बाहर। उसी के बाद अब मुझे कुछ चीज आपको बतानी है। पहले यहाँ पे हैप्टिक्स थोड़े से मुझे वीक लगे, मुझे ऐसा लगा थोड़े से बेटर हैप्टिक्स दे सकते थे मे बी गैलेक्सी A54 के जैसे। उसके बाद स्पीकर्स यहाँ पे डुअल तो है बट थोड़ा सा मुझे यहाँ पे फटाफटा साउंड, तो इसीलिए अगर आप हेडफोन्स ईयरफोन्स यूज करो तो इतना प्रॉब्लम नहीं जाएगा। हेडफोन ईयरफोन से याद आया, ऑफकोर्स यहाँ पे हेडफोन जैक कहीं नहीं दिया भाई, ना ऊपर ना नीचे, कोई गड्ढा नहीं है। आपको यहाँ पे वायरलेस ईयरफोन यूज करने या फिर टाइप सी पोर्ट वाले ईयरफोन यूज करो एंड अपना फिर म्यूजिक या कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। इस प्राइस में बहुत ही कम ब्रांड्स आपको IP रेटिंग देते हैं, इन्होंने आपको IP67 का रेटिंग दिया है, तो मेरे हिसाब से सैमसंग के लिए एक W मूव है भाई, W मूव। देखो आज तक लोग सैमसंग का फोन क्यों लेते थे, अच्छे क्वालिटी मटेरियल्स यूज करता था सैमसंग, सैमसंग एक अच्छा सॉफ्टवेयर देता था। पहले सैमसंग का सॉफ्टवेयर बहुत बुरा था, One UI आने के बाद काफी चेंजेस आए एंड सैमसंग के जो बजट फोन रहते थे उसमें One UI प्रॉब्लम देता था। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पे आ जाओ तो 120 हर्ट्ज के कारण यहाँ पे एक तो स्मूथनेस अच्छी मिलती है, दूसरा One UI 5.1 से काफी चेंजेस आए, मटेरियल व्यू आपको यहाँ पे देखने मिलता है सैमसंग जो काफी अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे 4 साल के अपडेट्स, 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस, मतलब ये फोन मर भी गया ना तो भी इसको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये डेफिनेटली सैमसंग ने बहुत अच्छा काम किया भाई। एंड्रॉइड 17 इसको मिलने वाला है, एंड्रॉइड 18 नहीं पर उस साल तक के सिक्योरिटी पैचेस आने वाले इस फोन को, जो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा फिर से W है सैमसंग के लिए। उसी के बाद एक और चीज भाई, सैमसंग के जो भरे भरे फीचर्स है इस फोन को सारे मिल जाते हैं भाई। आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो बिना उसको बताए योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। अगेन ये वन ऑफ द मेन रीजन है सैमसंग के फोन्स बिकने का। सैमसंग ने इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर एक अमेजिंग काम किया है। बैटरी अगेन एक सॉलिड पॉइंट है इस फोन का, बट एक छोटा सा डिसएडवांटेज मैं बताता हूँ क्यों। 5000 mAh बैटरी आराम से दिन निकाल देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम, लाइट यूजेज क्या मे बी 6+ आवर्स चला जाएगा। प्रॉब्लम आती है चार्जिंग स्पीड, नो चार्जर इन द बॉक्स, इन्होंने एप्पल की दिशा चुन ली है, वही दिशा में चलते जा रहे, दिशा पाटनी नहीं, दिशा मतलब रूट, और यहाँ पे आपको दे
रहे 25 वॉट चार्जर का सपोर्ट। 25 वॉट चार्जर इस फोन के लिए थोड़ा सा स्लो पड़ जाता है मुझे ऐसा लगता है, ऑलमोस्ट 80 मिनट के आसपास ले लेता है इस फोन को चार्ज होने में। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा फास्ट चार्जर बॉक्स में दे देते थे अच्छी बात रहती थी, या फिर थोड़ा सा फास्ट चार्जर का सपोर्ट दे देते थे एटलीस्ट 45 वॉट, तो ये फोन एटलीस्ट 1 आवर या उसके अंदर चार्ज हो जाता था। सिंगल कैमरा सेटअप, क्योंकि बाकी दो तो कोई काम के नहीं है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो अच्छा काम करता है, OIS का सपोर्ट है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो। जो मेन कैमरा है पहली बात तो थोड़े से बूस्टेड सैचुरेटेड कलर्स लेकर देता है, बट क्या फोटोज की क्वालिटी बुरी है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छी फोटोज अच्छे कलर्स के साथ रहेगा, अच्छा डायनामिक रेंज देता है। फोटोज में 48 मेगापिक्सल ले रहे हो, आपको डिटेल्स भी मिलेगी फोटो के अंदर। ओवरऑल मैं सैटिस्फाइड हूं यहां पे कैमरा की क्वालिटी से। मुझे ऐसा लगता है फॉर द प्राइस एक डिसेंट कैमरा दिया, द बेस्ट कैमरा नहीं, यहां पे और ऑप्शन है। सैमसंग के खुद के एक दो फोन है जो मे बी इस प्राइस में बेटर कैमरा है। 30,000 के अंडर की कैटेगरी में पिक्सल 6a है जो ऑफकोर्स एक बेटर कैमरा है, बट ओवरऑल यहाँ पे कोई कैमरा क्वालिटी बुरा नहीं है, अच्छी फोटोज ये फोन लेकर देता है। मुझे ऐसा लगता है मेन कैमरा से आपका काम हो जाएगा। पोर्ट्रेट मोड भी आप देखोगे अच्छा एज डिटेक्शन है, कलर्स अच्छे दे रहा है, थोड़ा सा ऑफकोर्स आपको बूस्टेड कलर्स मिलेंगे बट वो एकदम ही अननेचुरल नहीं लगते, अच्छे लगते हैं दिखने में। नाइट मोड यहाँ पे काफी डिसेंट काम कर ले रहा है, कभी कभी फोटो को हल्का फुल्का ओवर एक्सपोज करता है, कभी कभी ऐसा होता है, फिर भी काफी हद तक नाइट मोड में भी अच्छे कलर्स लेकर आता है। प्रॉब्लम आ जाती है जब आप अल्ट्रा वाइड एंड मैक्रो के ऊपर जाते हो, जहाँ पे यार डार्क ग्रीन दिख रहा है मेन कैमरा से, वहाँ पे इस कैमरा से हल्का सा लाइटर ग्रीन दिखेगा, थोड़ा सा स्किन टोन में फर्क दिख जाएगा, इसलिए मुझे ऐसा लगता है मेन एंड अल्ट्रा वाइड में थोड़ा सा फर्क दिख कर आता ही है। बाकी ऐसे कोई बहुत बुरी क्वालिटी नहीं है बट इम्प्रूव की जा सकती थी। बाकी डिसेंट मैक्रो शॉट्स भी लेके देता है, 5 मेगापिक्सल है, ऑफकोर्स वो 2-2 मेगापिक्सल जैसे फालतू मैक्रो सेंसर्स नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा कलर शिफ्ट दिखने मिलता है, डिटेल्स डिसेंट मिल जाती है बाकी फोन से अगर कंपेयर करूं तो, पर फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा कम पड़ जाता है। 13 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा के कारण आपको डिसेंट फोटोज देखने मिल जाती है, फोटोज अच्छी रहती है, थोड़ी सी हाई कॉन्ट्रास्ट पर अच्छी लगती है देखने में। 4K 30fps फ्रंट कैमरा में रिकॉर्ड कर सकते हो, मेन कैमरा से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जो ऑफकोर्स एक बहुत अच्छी बात है एंड कॉम्पिटिशन से थोड़ा सा इसको अलग करता है। तो ये है 4K 30fps। तो भाई अगर मैं बात करूं कि इज दिस द बेस्ट सैमसंग फोन अंडर 30,000 रुपीज, मेरे हिसाब से तो हाँ, एक अच्छा फोन है एंड ये मुझे गैलेक्सी A54 से अच्छा लगा एंड मेरे फ्रेंड को 4 महीने की यूज के बाद ऐसा लगा ये सी एक डिसेंट फोन है। उसको बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड परफॉर्मेंस का ही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो थोड़ा सा हैवी यूजर है, क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी कॉल रिकॉर्डिंग प्रायोरिटी थी, वन UI प्रायोरिटी था एंड आजकल जो बजट फोन है बहुत सारा ब्लोटवेयर दे रहे हैं, इसमें भी मिलता है बट उनसे थोड़ा सा कम मिलता है, इसके लिए उसने सैमसंग सेलेक्ट किया एंड वो भी खुश है उसकी चॉइस से एंड मुझे भी ऐसा लगता है मैं भी आपको ये फोन रिकमेंड कर सकता हूँ, आप बिल्कुल इसको अंडर 30,000 रुपीज कंसिडर कर सकते हो अभी। पर अगले महीने सेल्स आ रही है, मे बी वहाँ पे थोड़ा सा और सस्ता हो जाए, थोड़ा सा अगर वेट कर सकते हो एक आध महीना 15-20 दिन अब तो सेल्स को, तो वहाँ पे थोड़ा सा और बेटर डील्स आपको मिल जाएगी। तो भाई आपका क्या कहना है इस फोन के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एंड इस वीडियो को लाइक करते जाओ। बाय।